ये देखो दिख रहा है, ये देखो ऐसा मटन का ना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज हम आ चुके हैं दिल्ली के शहर मायापुरी में रंजीत जी की चिकन मटन काट पे। मैंने सुना है इनके बारे में कि ये जो है बहुत मतलब एकदम देसी स्टाइल में चिकन खिलाते हैं और मटन खिलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर दिल्ली में कुछ ऐसा मिले जो कि एकदम घर वाला फील दे, उनके पास जाके ट्राई करने, क्योंकि दिल्ली में तो बस एक ही चीज़ चल रहा है, कीमा मटन। बस कीमा मटन से हट के कुछ ट्राई करना था और आप लोग के लिए कुछ हट के लाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए ये लाया जाए। और आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली आते हैं और आपको एकदम देसी सा मटन और चिकन खाना हो तो इनके पास आना, आके ज़रूर आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलिए हम लोग भी चलते हैं उनके पास, उनकी मटन ट्राई करते हैं, चिकन ट्राई करते हैं और जो जेन्युइन रिव्यू है वो आप लोग तक शेयर करते हैं। तो चलिए उनसे कुछ बातें बूते करेंगे, खाने को दिखाएंगे, फिर उसे टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है खाना। तो चलिए, कितना पुराना शॉप है रंजीत जी अपना? भैया हमारा 2007 से 2016 से चला रहा है, 7 साल हो गए पुराने। क्या सब मिलता है अपने यहाँ? हमारे पास चिकन है भैया, मटन है, राइस है, रोटी है। मटन हमारे 210 रुपए की हाफ है, 2 पीस, 4 रोटी। चिकन 120 रुपए की है, 4 रोटी और 2 पीस चिकन। तो एक बार दिखाएंगे अपना मटन आप? हाँ हाँ बिल्कुल, देख सकते भैया। तो देख सकते गाइस रंजीत जी का जो है मटन, ओ भाई सब रोगन देख सकते हैं आप मटन के ऊपर का। मटन जो आप खुद से तैयार करते रंजीत? हाँ भैया, आज तो यही तैयार हुआ है, सारा काम जाम यही। कितना केजी मटन बनता है? आज 7 केजी मटन बनाए थे। चलाइएगा तो देखने में गाइस, देख सकते कितना टेम्पटिंग लग रहा हुआ आप लोगों को। मटन के ऊपर का जो रोगन है वाकई में, और जो मसालों की जो खुशबू है ना वो मैं फील कर पा रहा हूँ, आप फील नहीं कर पा रहे होंगे, बट देखने से माउथ वाटरिंग तो है ये, मैं कह सकता हूँ। ये देखिए, अगर आप लोगों को भी खाना है तो एक बार यहाँ पे आना पड़ेगा आप लोगों को ये मटन एंजॉय करने के लिए। देख सकते हो मटन वाकई में बहुत ही लाजवाब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया है चिकन। चिकन तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, चिकन जो है ख़त्म होने वाला, बट रंगत जो है अभी इस बता रहा है कि चिकन भी काफ़ी टेस्टी बना होगा क्योंकि देखने से ही लग रहा है। ये देखिए, तो चिकन का क्या प्राइस होता है रंजीत जी? 120 रुपये की 2 पीस। 120 रुपये में 2 पीस जी। तो चलिए रंजीत जी, हमारे लिए भी एक प्लेट मटन लगा दीजिए। मटन को पहले फ्राई कर दीजिए, गरम कर देंगे मटन को जो है पैन में। आप जितना भी लेते हैं क्वांटिटी, इस पैन में आपका मटन जो है फ्राई होगा। तो देख सकते इधर हमारा पीसेस आ गया है और इसे जो है गर्म किया जा रहा है। आप जब भी आएंगे तो आपको गर्म करके मिलेगा यहाँ पे। ये जो इसका जो ग्रेवी रहता है पूरा प्याज का रहता है? बिल्कुल प्याज का होता है, मतलब यहाँ पे जो है कीमे उमे की ग्रेवी नहीं रहती गाइस, पूरा प्याज की ग्रेवी रहती है, जो कि हमारे ही मतलब घर में जैसा बनता है सेम वैसा ही। अभी तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, टेस्ट करने का कैसा है। अब जो मटन हमारा इधर फ्राई गर्म हो चुका है, अब आ गई हमारी चिकन की बारी। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो कि आ चुका है फ्राई होने के लिए। हम लोगों ने मटन भी क्वार्टर लिया है, चिकन भी क्वार्टर लिया है। देखने से मतलब क्या ही बताऊँ, और जो मसालों की जो सुगंध है ना वो मैं फील कर पा रहा हूँ देखने में, मतलब वाकई में लाजवाब लग रही है। मसालों का जो फ्रेगनेंस है एकदम देसी सा लग रहा है कि हाँ देसी सा चिकन है, देसी मटन है। तो फाइनली गाइस, अब जो हमारा रंजीत जी की स्पेशल मटन करी आ गई है और इधर हमारी ये रही चिकन करी। अब देख सकते ये रहा चिकन करी क्वार्टर और ये रहा हमारा मटन करी क्वार्टर। अब देख सकते देखने में कितना लाजवाब लग रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए, ग्रेवी भी बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए, और ये देखिए हम लोग को इसके साथ हम लोगों ने लिया रोटी और चावल। तो चलिए गाइस, हम लोग जो जल्दी से टेस्ट करते, देखने में आप लोगों को लग ही रहा है कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मतलब एकदम से मतलब क्या ही कहता है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इनकी जो ग्रेवी है ना, मैं ग्रेवी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ क्योंकि इनके ऊपर का जो रोगन है एकदम से अट्रैक्ट करी और पीसेस देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो चलिए अब देख के तो मतलब क्या कहते हैं, सब्र हो ही नहीं रहा, टेस्ट करते। तो पहले हम लोग जो है रोटी के साथ टेस्ट करेंगे। ये रहा हमारा तवा रोटी, तोड़िए अच्छे से। पहले हम लोग जो है मटन को ट्राई करेंगे। ये रहा हमारा नली वाला पीस, तो चलिए इसे अच्छे से देखते पीसेस की क्वालिटी कैसी पकी हुई है। ओ भाई साहब, तो एक बार मैं इसे रखता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है, ये देखो गायब, मतलब पूरा अलग थलग हो गया। ये देखो, ओहो हो क्या पका हुआ है भाई साहब, ऐसा मटन का ना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं। ये रहा हमारी, इसमें आ गई हमारी थोड़ी पीसेज, उसके साथ थोड़ा सा ग्रेवी, ये लिए थोड़ा ग्रेवी डालो इसमें, एक अच्छा सा वाइट रेडी हुआ। चलिए इसे टेस्ट करते हैं।
एकदम घर वाला फील आ रहा है। जैसा कि आप लोग अपने घर पे बना के मटन खाते होंगे सेम वैसा लग रहा है। पका हुआ भी लाजवाब है। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आपके लिए एकदम हार्डली रिकमेंडेशन है कि यहाँ आके इनका मटन जरूर ट्राई करें। थोड़ा स्पाइसी भी है और फील एकदम घर वाला है। चलिए एक बार चावल के साथ ट्राई करते हैं। आगे हमारा चावल, इस पर डाले थोड़ा ग्रेवी मटन का। आओ भाई इज्जत से देखो भाई, ग्रेवी का टेक्सचर देख रहे हो आप लोग। ये देखो, ये जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था पीसेस, उसमें थोड़ा सा पीसेस डालेंगे। ये रहा, एक अच्छा सा बाइट रेडी करो। उसके ऊपर डालो थोड़ा ओनियन। तो देख सकते हैं एक हमारी अच्छी सी बाइट रेडी हो चुकी है। चलिए अल्टीमेट एक नंबर। मैं जेन्युइन बताऊं गाइस, तो मुझे रोटी के से ज़्यादा मज़ा चावल के साथ आ रहा है। ग्रेवी एकदम, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पतली ग्रेवी है, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत थिक ग्रेवी है। ग्रेवी एक नंबर है। ऐसा फील हो रहा है कि मैं घर में आके खा रहा हूँ, अपने घर में बना के मटन खा रहा हूँ। चलो चिकन को टेस्ट करते हैं। ये रही लेग पीस। पहले पीस की क्वालिटी चेक करता हूँ कैसी पकी हुई है। ये देखो, ओहो हो हो, लाजवाब भाई साहब। ये देख रहे हो, एक बार आप लोग चेक करो क्या क्वालिटी है। ये देखो, मतलब जहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये चिकन नॉन वेज तो भाई नहीं, जहाँ से छू रहा हूँ वहीं से टूट जा रही है। देखो इतना बढ़िया पका हुआ है। वाह चिकन कैसी है, मटन तो गजब का था भाई। ले रही हमारी चिकन, उसके साथ थोड़ा सा ग्रेवी में डिप करें इसे। एक अच्छी सी बाइट रेडी करते हैं। बढ़िया, बट मटन के कॉम्पेरिजन में नहीं है गाइस, ये मैं कहूँगा जेन्युइनली। मटन के कॉम्पेरिजन में चिकन नहीं है, जो मटन में बात है ना लाजवाब। अगर आप लोग भी दिल्ली रहते हैं और एक घर जैसा मटन खाना चाहते हैं तो रंजीत जी के पास आके इनका मटन इंजॉय कर सकते हैं। एकदम घर वाला फील आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। कभी आप यहाँ पर आएँ इनका मटन ट्राई करना, एकदम घर वाला फील और जेन्युइन फील नहीं आया तो फिर हमें बताना। अगर यहाँ पे आते हो कभी खाते हो टेस्ट ऐसा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। तो टाइमिंग क्या रहती है अपनी शॉप की? हमारा शॉप की टाइमिंग है 10:30 से 4:30 बजे तक होते हैं। 10:30 से 4:30। सप्ते में 7 दिन लगाते हैं? मंगलवार छुट्टी। और एड्रेस क्या होगा कोई आना चाहे तो? एड्रेस हमारे मायापुरी अपार है, मायापुरी थाना से लेफ्ट 50 मीटर अंदर जी, B92 के पास खड़े हैं। चलिए गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ हमारे इंस्टाग्राम आ रहे होगी वहाँ जाके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।